खबरों में आगे बढ़ेंगे। राजमहल के एकमात्र ग्रेजुएट कॉलेज BLNL बोहरा कॉलेज 40 सालों से बदहाल स्थिति में है। कॉलेज की देखरेख पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। कॉलेज की इस बदहाल स्थिति पर प्रिंसिपल हरिशंकर सिंह से बात की हमारे सहयोगी सनी सिंह ने। राजमहल का एकमात्र कॉलेज BLNL बोहरा डिग्री कॉलेज ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई होती है। दुर्भाग्य ये है कि पिछले 40 साल लगभग होने वाले हैं, पिछले 40 साल में आज तक जिस तरह पहले थे आज भी उसी तरह है। किसी भी नेता या किसी भी अधिकारी का आज तक ध्यान इस ओर आकर्षित नहीं हुई है। आइए मैं बात करता हूँ कॉलेज के प्रिंसिपल से। BLNL बोहरा कॉलेज राजमहल, इसकी स्थापना 18 अगस्त 1980 को हुई है। ये राजमहल अनुमंडल मुख्यालय का एकमात्र उच्च शिक्षण संस्थान है जहाँ सह शिक्षा की सुविधा उपलब्ध है। और इतने दिनों पर पूर्व में हम लोग बिहार सरकार और भागलपुर विश्वविद्यालय के अंतर्गत थे, अभी जब से झारखंड 1992 से ये हम लोग सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय दुमका के अंतर्गत आ गए। और उक्त महाविद्यालय इस विश्वविद्यालय के अंतर्गत परमानेंट यूनिट है, परमानेंट मैंने स्थायी संबद्ध इकाई है। और ये दुर्भाग्यवश आज यहाँ डिग्री लेवल पर सारे ऑनर्स विषयों की पढ़ाई हो रही है, साथ ही इग्नू हेडक्वार्टर दिल्ली से यहाँ पीजी और डिप्लोमा की भी पढ़ाई शुरू हो गई है, जो एक बहुत सुखद एसेट्स है। और अब तक बिहार सरकार से अब तक झारखंड सरकार तक, हम सरकार का ही दोष कहेंगे क्योंकि ये इंटायर स्टेट का मामला है और गवर्नमेंट की पॉलिसी का मामला है, तो अब तक हम लोग को ठगा गया है, छला गया है। और हम लोग की स्थिति, खास करके जो कार्यरत शिक्षक और कर्मचारी, हमारे शिक्षकेतर कर्मचारी हैं, उनकी स्थिति आज भी वही जर्जर है। और बहुत सारे हमारे बड़े भाई साथी सीनियर, वो लोग हर साल प्रतिमा रिटायर सेवानिवृत्त भी हो रहे हैं। और इस स्थिति के आलोक में अब तक सरकार से कोई तरह का वित्त सहित या अंगीभूतीकरण या घाटा अनुदान की कार्रवाई अब तक नहीं हुई है, जो खेद का विषय है। अभी वर्तमान में इसके पूर्व फुल फ्लेजेड मेजोरिटी बहुमत के साथ रघुवर सरकार थी और लगभग 20 से 25 बार उन्होंने आश्वस्त किया है ये झारखंड प्रांत के तमाम कई बड़े शहरों में, चाईबासा, टाटा, धनबाद, बोकारो, रांची, दुमका, जामताड़ा, साहेबगंज, हर जगह उन्होंने आश्वस्त किया है कि ये डिग्री संबद्ध महाविद्यालयों का मामला के प्रति हम काफ़ी गंभीर हैं और आपका डिपोजिट ग्रांट की प्रक्रिया बहुत जल्द होगी। ये 2008 से ही अस्थायी संबद्ध इकाई है, कार्रवाई और लाभान्वित नहीं। कैमरामैन धनंजय के साथ सनी सिंह, राजमहल।